तो हेलो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लाए हैं फोटो स्मूथ पर। तो फोटो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद स्नैपसीड एप्लीकेशन में जाएंगे। स्नैपसीड एप्लीकेशन में जाकर थोड़ा थोड़ा जो ब्लैक है पहले उसे हम लोग वाइट करेंगे। तो गाइस, आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं फ़ोटो को स्नैपसीड में ले लेता हूँ। स्नैपसीड लेने के बाद देखो जो कहीं कहीं ब्लैक है इसे हम लोग थोड़ा लाइट बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले टूल्स पे जाते हैं, बाद इस पे जाएंगे, उसके बाद थोड़ा जूम करके टच करके इसके जहाँ ब्लैक है वहाँ पर लेड लाइन कर लेंगे। उसके बाद लाइट बढ़ा लेंगे, ऐसे ही पूरा कर लेंगे भाई लोग। पूरा करने के बाद इसके बाद हम लोग जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में जाने के बाद उसके बाद फिर टूल्स पे टच करेंगे, उसके बाद डिटेल्स पे जाएंगे। ये थोड़ा 4% कर लेंगे, ये टूल्स पे जाकर टर्न जाएंगे। उसके बाद इससे भी 28 कर लेंगे। देखो थोड़ा लाइट आया, फोटो का क्वालिटी चेंज हो गया। उसके बाद शेयर कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में, थोड़ा टाइम लगेगा। लाइटरूम एप्लीकेशन में जाकर थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। पहले वीडियो को पूरा देखना भाई लोग। तो एडिट पे जाएंगे, उसके बाद कलर पे जाएंगे, मिक्स पे जाएंगे, उसके बाद रेड वाला 15 कर लेंगे, बाद इसे भी कर लेंगे, बात कर ले रहे हैं। उसके बाद चेहरे का कलर यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ से जितना गोरा करना चाहते हैं आप लोग उतना गोरा हो जाएगा। उसके बाद डन कर लेते हैं। फिर लाइट पे जाएंगे, उसके बाद इसका भी 38 कर लेंगे। तो गाइस, अब हम लोग जाएंगे स्केच बुक एप्लीकेशन में। शेयर कर ले रहे हैं यहाँ से भी। स्केचबुक एप्लीकेशन में जाकर पेंसिल का यूज करेंगे। ये मेरा लेयर बना हुआ है, इसे डिलीट कर रहे हैं। ये लेयर बना हुआ है पहले का, तो इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद पेंसिल वाले आइकन पे जाएंगे, उसके बाद ये वाला पेंसिल यूज करेंगे। इसका सेटिंग देख लो आप लोग, इसका 660 है, इसका 5 कर दे रहे हैं, और ये अपने हिसाब से साइज वाला है कर लेंगे। उसके बाद चेहरे को जूम करके, जितना जूम करके करेंगे इसमें उतना ही अच्छा होगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है भाई लोग। जितना जूम करके करेंगे स्मूथ उतना ही अच्छा होगा।
स्मूथ करने के बाद फिर से हम लोग आएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो हेलो गाइस, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, स्लो करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। जितना जूम करके करेंगे उतना ही अच्छा होगा ये स्मूथ। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था भाई लोग, तो मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। आप लोग के सपोर्ट और प्यार से मेरा 3000 कंप्लीट होने वाला है सब्सक्राइबर। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए भाई लोग। तो यहीं से जो ऊँट गुलाबी करते हैं हल्का सा, वो भी यहीं से होता है स्केच बुक की एप्लीकेशन से। अभी हम वो भी बता देंगे ठीक आप लोगों को। लाइटरूम, इसके बाद लाइटरूम एप्लीकेशन में जाएंगे। वहीं से वाला पेंसिल यूज करेंगे सॉफ्ट लाइट वाला। इसका एक दूसरा लेयर बना लेते हैं। तो हम लोग इसका थोड़ा लाइट कम कर लेंगे, इसी लेयर पे जाएंगे टैप में, उसके बाद इसका थोड़ा ब्राइटनेस कम कर लेंगे। देखो ये फोटो इसमें तो ऊपर हो गया। इसके बाद फिर लाइट रूम एप्लीकेशन में लेकर जाएंगे, तो शेयर वाले आइकन पे टैप करके लाइट रूम एप्लीकेशन में आकर फिर इसका लाइट थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये थोड़ा कट करना पड़ेगा।